everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. क्यों दूसरों को ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन स्ट्रेंज लगते हैं? हाँ, ये सच है कि ट्विन फ्लेम्स को ज़्यादातर लोग पहली बार सुने होते हैं. इस कनेक्शन को लोग ज़्यादा नहीं सुने होते हैं. उनमें से अगर कुछ सुने भी हैं तो यकीन नहीं कर पाते. लोगों को लगता है कि ऐसा कोई कनेक्शन हो नहीं सकता. फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, तो छोड़ दीजिए, कुछ मास्टर सोल्स भी इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते. मैं यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी जो ट्विन फ्लेम्स के लिए जानना ज़रूरी है. ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मानना अपने आप में एक करेज है. यस, ये जर्नी शुरू होती है लव से. तो जो मास्टर सोल्स हैं वो अब इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, इसलिए वे ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर बात नहीं करते. एक रीज़न तो ये हो सकता है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जो इस जर्नी में नहीं है वो कैसे इसको मान सकते हैं. ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप इसमें से, जब तक आप इसमें से नहीं गुजरे हो तो नहीं जान सकते, आप इसको नहीं मान सकते. दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बी इनडिफरेंट और दे वोंट एक्टिवली रिएक्ट ऑन ट्विन फ्लेम फेनोमेना. मैं जनरल स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो अपने आप करते हैं, जो खुद अपने पावर से, नॉलेज से अपने आप को अवेकन कर लेते हैं, हु ऑफन नॉट रिस्पॉन्ड इन पॉजिटिव वे ऑफ हाउ दे अवेकन देयर सोल्स. तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे बातें करना. ओके, ट्विन फ्लेम्स को लेकर जनरल लोगों का रिएक्शन भी अलग अलग होता है. ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्मूथ नहीं होता. देर आर सो मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज. बिल्कुल स्मूथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो ही नहीं सकता. कभी रिलीजन डिफरेंस, तो कभी कास्ट इश्यूज, कभी एज गैप, तो कभी सेम जेंडर, तो कभी स्टेटस डिफरेंसेस. और अगर ये सब ठीक रहा तो एक मैरिड और एक अनमैरिड होगा, या दोनों ही ट्विन दूसरे स्पाउस से मैरिड होंगे. 3D वर्ल्ड से अगर देखा जाए तो लोग गलत नहीं हैं. सभी चाहेंगे अपने कास्ट रिलीजन में ही अपने बच्चों की मैरिज करवाना. कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनके बेटा या बेटी एज में बहुत छोटे या बहुत बड़े पर्सन से शादी करें. उनके एंगल से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है कि रिश्ता सेम स्टेटस में ही अच्छा लगता है. कौन चाहेगा कि किसी का बेटा या किसी का बेटा किसी लड़के के साथ रहे, या किसी की बेटी एक लड़की के साथ रहे. आई मीन सेम जेंडर. दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड एट ऑल. ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जहाँ जनरेशन पैटर्न को ब्रेक करना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है. 3D वर्ल्ड में हम सभी चाइल्डहुड से लेकर अब तक फैमिली पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलते हैं. हमें ये बताया जाता है हमारे फैमिली में ऐसा होता है, हमारे फैमिली में ये नियम है. कभी कभी तो ये यहाँ तक कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे फैमिली में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये भी बहस हो जाती है और ये बातें भी सामने आती हैं. पर ये नियम कहीं ना कहीं हम ही बनाए हुए होते हैं, और देखा जाए तो इन नियमों में से कुछ नियम को मानकर कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा होता. फिर भी सेम रूल फॉलो करने के लिए हम डिटरमिंड रहते हैं. जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में एंसेस्ट्रल से चला आ रहा है रूल कि जो भी शादी हो वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज कोई नहीं कर सकता. वहीं अरेंज मैरिज के बाद भी हो सकता है उसी फैमिली में, उनके फैमिली में ही बेटियां सुखी नहीं हैं, या बहुएं जो आती हैं वो उतनी कोऑपरेटिव नहीं होती. फिर भी इसको लेकर चलना ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू बन जाता है. हमें यहाँ बचपन से ही सिखाया जाता है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि स्ट्रेंजर्स से
खास तौर से बेटियों को सिखाते हैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करना है। ये ठीक भी है, लेकिन किसी स्ट्रेंजर, जब वो बड़ी बेटी बड़ी हो गई, किसी स्ट्रेंजर से ही शादी करवा देना, किसी स्ट्रेंजर को आप दो चार बार देख लिए, निगोशिएशन हो गया, आपकी फैमिली ने उनकी फैमिली को दो चार बार देख लिया, तो उनके साथ अपनी बेटी को पूरी जिंदगी सौंप देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें इट नीड्स टू बी डिस्कशन अ लॉट कि स्ट्रेंजर से बातें ना करना बेटियों को सिखाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक समय पर जब वही बेटी 21, 22, 25 साल तक हो जाती है, किसी स्ट्रेंजर के हाथों ही सारी उम्र उसको सौंप देना, ये कौन सा वाइज डिसीजन होता है? कभी कभी ये यहाँ पे लक साथ दे देता है, अच्छी रहती है बेटी, खुशहाल रहती है। कभी कभी अगर लक साथ नहीं दिया तो बहुत दिक्कत भी हो सकता है। तो यहाँ बात है ट्विन फ्लेम की, मैं कर रही हूँ। दोनों ट्विन्स की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि आपके फैमिली से नेगेटिव कमेंट्स आएगा ही, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स वैसे भी ऑर्डिनरी सोल नहीं होते। व्हेन दे कम इनटू बैलेंस्ड दे हैव बिकम पावरफुल एंड हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ऐसे में जो लो एनर्जेटिक फील्ड से ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हाईली डोमिनेटिंग हो सकती है। इसलिए वो सबसे पहले डीमोरलाइज करेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके लेवल से हाई लेवल का जो भी होगा उनके साथ कनेक्शन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको अपने ही फैमिली से मिलेगा। जब भी दोनों ट्विन एक साथ होते हैं, उनकी पाव एक पाव कपल के जैसे बन जाती है। तो जो भी लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं, जो लोग 3D वर्ल्ड के इल्यूजन को ही सच समझते हैं, जिन्हें लगता है कि जो नियम, जो रूल्स, जो कायदे उन्होंने बनाए हैं वही सही है, उनका अनकॉन्शियसली पहला काम यही होता है ट्विन फ्लेम्स को अलग कर देना। और ये सब वो इसलिए करते हैं क्योंकि 3D वर्ल्ड के परसेप्शन से देखा जाए तो ये ठीक है। Twin flames are very noticeable and powerful energy. When the people who are in darkness, they don't want to see your light because they are accustomed of that life. नहीं, मैं सभी के फैमिली ऐसी हो ये नहीं कह रही हूँ, पर अगर आप कंसर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होगी। एक्चुअली दे आर गेटिंग ट्रिगर्स from your divine light. और आपके साथ उनका अटैचमेंट होने की वजह से ईगो अटैचमेंट हर माँ बाप का अपने बच्चे से होता ही है, लगाव होता ही है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स सोचने लगते हैं कि they might lose you. If you don't listen to them, they might lose you. ज़्यादातर लोगों को चेंज पसंद नहीं आता। आपको चेंज्ड पर्सन देखना उनको अच्छा नहीं लगता, आपके फैमिली मेंबर को, आपके फ्रेंड्स को, आपके पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगता। सो दे रिएक्ट नेगेटिवली फॉर यू एंड फॉर योर ट्विन फ्लेम ऑल्सो। मोस्टली ट्विन फ्लेम्स आर बॉर्न इन एन अनअवेकंड फैमिली, द मोस्टली इन नीड ऑफ जनरेशनल कर्स ब्रेकर। दे मोस्टली इन नीड ऑफ अ जनरेशनल कर्स ब्रेकर। अब ऐसा नहीं है कि हर बात सिर्फ नेगेटिव ही हो। यस, ट्विन फ्लेम, ये तो मैंने एक नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर अपनी ओपिनियन रखी जो मोस्टली आप लोग फेस करते ही होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर बात सिर्फ नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी है यहाँ पे कुछ। तो पॉजिटिव डिस्कशन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मॉरल बूस्ट अप बना रहे। बहुत कुछ होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ पॉजिटिव भी, चले आते हैं उस पॉइंट्स को कवर अप करने। सबसे पहले तो लोगों के बीच पॉपुलैरिटी, और अननोइंगली लोग उनकी तरफ, ट्विन फ्लेम्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इतनी मैग्नेटिक होती है कि उनके सोसाइटी में, फैमिली में लोग उनसे अट्रैक्टेड होते रहते हैं। अब यहाँ मेरा अट्रैक्शन से मीनिंग फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, दे ड्रॉ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द रूम।
वो जहाँ जाते हैं अनजाने में ही क्राउड इकट्ठा हो जाती है, लोग ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ट्विन फ्लेम्स की आंखों में एक कशिश होती है जो लोगों को पुल करती रहती है। ट्विन फ्लेम्स का वॉइस क्वालिटी से लोगों को हीलिंग मिलता रहता है। ट्विन फ्लेम्स एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो होता है, इसलिए हम सभी को चाहिए कि दूसरों के लिए अच्छा बोलें, क्योंकि ज़्यादातर इनकी बातें, इनकी कही बातें सच हो जाती हैं। ओके, अनदर काइंड ऑफ पॉजिटिव रिएक्शन ट्विन फ्लेम्स रिसीव फ्रॉम चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स। बच्चे ट्विन फ्लेम्स को देखकर कुछ अलग सा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उनको हायर सेल्फ से सब पता चलता रहता है, इसलिए चिल्ड्रन बहुत अटैच हो जाते हैं ट्विन फ्लेम्स से। चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज अ पॉजिटिव एनर्जी नेचुरली। आप देखना, आप अगर टीचर हैं, बेबी सिटर हैं, तो बच्चे आपका बहुत कहना मानते हैं। दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू ऑटोमेटिकली। ट्विन फ्लेम्स इसके अलावा डॉग्स एंड बर्ड्स ऑल ऑफ अ सडन देखिएगा आपके पास आ जाएंगे, आपके पास आकर बैठ जाएंगे या घूमते रहेंगे। आप नोटिस करना, अगर आपके पास पेट है और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, तो वो और फैमिली मेंबर्स से आपसे ज़्यादा कनेक्टेड या क्लोज होंगे। ये सभी मैंने अपने और मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस से ये आज का वीडियो कवर अप किया है। और मोस्टली ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिविटी ही मैं इसमें कवर अप करी हूँ। यस, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं है, लेकिन सोसाइटी के नज़र से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हमें, हम लोगों को फेस करना पड़ता है ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये डिवाइनल जर्नी है, तो लोग समझ नहीं पाते, जो लोअर जो अनअवेकन है वो समझ नहीं पाते, जो लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं वो लोग 3D पर्सपेक्टिव से जिनका सोचना होता है वो नहीं समझ पाते इस डिवाइनल कनेक्शन को, ये इस अनकंडीशनल लव को। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिवनेस भी होता है इस कनेक्शन में, जो मैंने डिस्कस किया। और आप भी नोटिस करना, अगर आपके साथ भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ ऐसा ही होता है, तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा ये जो एक पर्सनल ओपिनियन या मेरा जो एक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अब तक का, वो सही है या क्या है। तो मेरे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो आज ख़त्म होता है। और उससे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब नया वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।